हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा चौथी की किताब है हिंदी की, इसका पार्ट 10 है, कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो उच्चारण के लिए यहाँ पर आते हैं, ये हमें पढ़ना है। भूहें, दफ्तर, बाल्टी, प्लास्टिक, स्टील, परिवर्तन, इस्तेमाल, नुकसान, अन्यथा, स्वभाव, बीमारियाँ, आमंत्रित, चिड़चिड़ा, जुड़वा। ठीक है, अब नीचे है बच्चों, सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, कूड़ेदान किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे हम, कचरा, डालने वाले पात्र को। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, कचरा डालने वाले पात्र को हम कूड़ेदान कहते हैं। ठीक है, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, तीन प्रकार के। कूड़ेदान के जुड़वे भाइयों का नाम बताइए। तो देखो बच्चों, एक होता है काला कूड़ेदान और दूसरा होगा नीला कूड़ादान। ठीक है, ये इसके दो जुड़वा भाई हैं। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा चिड़चिड़ा। कैसा होता है? चिड़चिड़ा। ठीक है, प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होता है? तो क्या होता है? मेरा प्रयोग करें। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इसमें क। नेक्स्ट है, कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है। कूड़ेदान को कब प्रसन्नता होती है? उसका उपयोग करने पर। तो इसमें भी क आ जाएगा। देखो बच्चों, अगला है, गंदगी से कई बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसमें कई भर लीजिएगा, मैं बहुत, इसमें आ जाएगा काम, काम की चीज हूं मैं, कई रंगों में मिलता हूँ, कूड़ा डालने वाले डिब्बे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें भर लीजिएगा। अगला है, पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन-किन साधनों का उपयोग करते थे? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है, आप लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देती हूँ। इसका उत्तर है, इस प्रकार लिखना बच्चों, पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न बच्चों, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं जैसे संक्रमित सुई या पट्टी आदि डाले जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न है, गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? तो इसका उत्तर है इस प्रकार है बच्चों, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग फैलने का भय रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों भाषा की बात पर। ये बोल रहा है, पाठ में आए हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है ना। विशेषता यानी कि जो उसके कुछ गुण विशेष बताना कि हरा कूड़ेदान। ठीक है, जिन शब्दों में किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, विशेषण किसे कहते हैं? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जिन शब्दों में किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार नीचे बनी सामग्री में दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखना है। ठीक है, इसमें से विशेषण छाटना है। देखो, पुरानी बाल्टी, इसमें विशेषण है पुरानी, काला भाई, इसमें काला, सूखा कचरा, इसमें सूखा विशेषण है, और मीठा फल, इसमें मीठा विशेषण है। नेक्स्ट है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाना है। क्या लगाना है? घेरा। सर्वनाम किसे कहते हैं?
संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आ में उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होगा होता है, तो उसका आप गोला लगा देंगे। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, इसमें यदि पर लगा देंगे। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, इसमें स्वास्थ्य है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, इसमें मैं है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें गोला लगा लीजिएगा। प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द छांटकर गोला घेरा लगाइए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द देखो पुराना का बताना है, पर्यायवाची तो नवीन यानी नया होता है, एक ये नया होगा, या प्राचीन यानी पुराना होता है। ठीक है, इस पे गोला लगा देंगे। सुख, सुख में पर्यायवाची बताना है, दुख दुखी आनंद, आनंद आता है तभी सुख आता है, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। स्वस्थ, स्वस्थ में हो जाएगा बच्चों निरोगी। ठीक है, जिसको कोई रोग ना हो उसे निरोगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी करें, फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, इंजेक्शन, सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, उक्त कचरों को नीचे दी गई सारणी में उचित स्थान पर रखो। तो इसमें आ जाएगा काले रंग का कूड़ादान, ठीक है, नीले रंग का कूड़ादान और पीले रंग का कूड़ादान। तो देखिए फल फूल के छिलके जो हैं वो काले रंग पीले रंग के कूड़ेदान में, सूखा कचरा पीला इसमें पीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, इंजेक्शन जो है वो काले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, सब्जियों के छिलके पीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, कांच के टुकड़े नीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, और लोहे के टुकड़े भी हम नीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।